हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल जैपनीज बियर कैंडी कलर पैराडॉक्स के एपिसोड फोर में आपका स्वागत है एपिसोड के स्टार्टिंग में एक रेंट वाले होटल का सीन दिखा जाता है जहाँ पे कबरागी और उनोई होते हैं जहाँ पे उन्होंने काबरागी से कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि क्या हमारे लिए सेफ होगा इस तरह के किसी भी होटल में आना यहाँ तो पे कबरागी कहता है की अगर हम जासूसी करने के लिए कार को एकदम फ्रंट पे पार्क करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सपीसियस होगा पे तभी बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करता हुआ कहता है की तुम्हारी बात तो सही है लेकिन तब यहाँ पे काबू होता है वो उन को कहता है कि तुम क्यों नर्वस हो क्या तुम तो पहली बार इस तरह के किसी लवी होटल में आए हो तो यहाँ पे उन्होंने कहता क्या ऐसा कुछ भी नहीं है मैं पहले भी इस तरह के लवी होटल में आया हूँ लेकिन मैं नर्वस भी नहीं हूँ और तभी यहाँ पे काबू जो था उन्होंने को अपने पास बुलाता है तो ये सुनकर उन्हें शौक हो जाता है लेकिन कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ तो जब उन्होंने यहाँ के काबू के पास बैठता है तो काबू उन्होंने कहता है कि और पास आओ तो उन्हें और पास जाता है तो काबू कहता है कि और पास आओ तो उन्होंने काबू के और भी ज्यादा करीब आ जाता है मतलब बैठ जाता है और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है मतलब उस सीन को याद कर रहा होता है और वहां पे उसने से कहा होता है कि तुम तो मेरी केयर भी तक नहीं करते तो पे से कहता है कि किसने कहा कि तुम्हारी केयर नहीं करता उसके बाद थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि की लाइक करता हूँ तो प्रेजेंट में उन्होंने ये सारी बातें सोच रहा होता है और काबू से कहता है कि तुमने ये कहा था क्या तुमने नहीं कहा था तो यहाँ पे काबू कहता है क्या तो उन्होंने कहता है कि तुमने लास्ट नाइट ये कहा तो पे पूछता है कि मैंने लास्ट नाइट क्या कहा तो कहाँ पे उन्होंने कहता कुछ नहीं और तो सब बोल के वो कैमरे से नजर रखने लगता है, तो यहां पे के पास आता है और तो यहाँ पे है कहता है कि तुम क्या जैसे कुछ बोलने वाला होता है तो यहाँ पे पे काबू कहता है कि हाँ तो तो यहीं पे, पे और अभी तो यहाँ पे, तो पे उन्होंने कहता है क्या तुम श्योर हो तो काबू कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ यहाँ पे उन्होंने कहता ठीक है फिर और वो कुछ इस तरह से फेस बनाता है तो काबू यहाँ पे जो होता है कैमरे से पिक्चर क्लिक करने लगता है तो पिक्चर क्लिक करने की आवाज़ से उन्होंने को थोड़ा सा मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ और हो रहा है मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ तो यहाँ पे काबू कहता है कि हाँ मुझे ये मिल गया तो उन्होंने कहता है कि हाँ सच में तुमने ये कर लिया तो यहाँ पे काबू कहता है कि हमारा बस कम्प्लीट हो गया क्या तुम्हारा आज का कोई प्लान है तो उन्होंने कहता है नहीं तो काबू उससे कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम आज की रात यहाँ पे बिताए तो यहाँ पे उन्होंने कहता है क्या तो काबू कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ इतना सीरियस मत हो क्या तुम तो प्लीज मेरे लिए ये बाकी का सामान ला सकते हो तो उन्होंने कहता है हाँ ठीक है मैं ले आऊंगा और फिर सारा सामान समेटते हुए कहता है कि क्या उसने मुझसे अपनी नहीं करी थी वो ऐसा कैसे कर सकता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो नेक्स्ट सीन में उन्होंने जहाँ पे उन्होंने बड़बड़ा रहा होता है कि वो ऐसे चिल कैसे एक्ट कर सकता है आखिरकार उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करा था ना कि मैंने ये बात सुनकर मस्यान शौक हो जाता है और कहता है कि क्या ये नहीं हो सकता कब हुआ ये तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि लगभग एक हफ्ता हो गया मुझे ऐसा ही लगता है तो यहाँ पे मस्यान कहता है कि ने अपनी तो मतलब यह है कि तुम दोनों सेम तरीके की फीलिंग रख रहे हो और अगर सच में ऐसा हुआ है तो तुमने अपना चेहरा इस तरह से क्यों लटकाया हुआ है तो पे कहता मस्यान, exactly इन सब का क्या मतलब होता है तो यह पे कहता क्या? ओ, इसका मतलब ये होता है कि तुम लोग डेटिंग करो बाहर जाओ और फिर इंटीमेट हो तो यहाँ पे उन्होंने सैड होकर कहता है की ओ ऐसा क्या मस्यान कहता है उन्होंने क्या बात है तो यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा इनोसेंट होकर पूछता है कैसे हो सकते हो? क्या तुम और इस तरह का कुछ हो तो यहाँ पे उन्होंने कि खैर हम दोनों के बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ मेरे कहने का मतलब ये है। तो मस्यान कहता है कि कहीं सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई कि उसने तुम्हें कन्फ्यूज करा या कुछ और कहा उन्होंने कहता है खैर उसने क्लियरली मुझसे कहा कि मुझे लाइक उसके बाद फिर वो उस सीन को सोचने लगता है जहाँ पे काबू ने उन्होंने कहा तुमसे किसने कहा तुम्हारी केयर नहीं करता लाइक like करता हूँ बेवकूफ तो यहाँ पे उन्होंने फिर से उन सारी चीजों को एक बार गौर से सोचता है याद करता है जहाँ पे काबू ने उससे कहा होता है कि मैं किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हारी कैर नहीं करता मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बेवकूफ़ उसके बाद फिर वो सीट पे पीछे जाके बैठता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है तो यहाँ पे उन्होंने को क्लियरली याद आता है कि उससे कहा था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मुझे ऐसा लगता है और फिर यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जोरों से चिल्ला के खड़ा होता है तो यहाँ पे मत्सन उससे कहता है क्या हुआ क्या तुम्हें कुछ याद आया तो यहाँ पे उन्होंने कहता है तो उसका मतलब ये है कि उसने इस बारे में सोचा लेकिन जब उसने रियलाइज़ किया तो उससे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मत्सन कहता है कि तुम ये सारी चीज़ें मुझसे क्यों पूछ रहे हो खैर अगर तुम तो मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं तुमसे तो यह कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो तो तुम्हें लाइक करता है तो यह बात सुनकर उन्होंने कहता क्या सच में तो मस्यान कहता है कि देखो प्यार करने के मतलब अफेक्शन के दो तरीके होते हैं एक लव होता है एक लाइक होता है जो प्यार करता है वो लाइक करता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो लाइक करे वो प्यार भी करे तो यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर है तो क्या okay, इसका मतलब ये है कि उसका लाइक करना एक नॉर्मल लाइक करना है तो यहाँ पे मतस्यन कहता रहा है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे मत पूछो तो यहाँ पे उन्होंने कहता है तो मुझे इसका जवाब कैसे पता चलेगा कि ये प्यार है या नहीं तो यहाँ पे मत्यान कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे मत पूछो तुम खुद से इस चीज़ को ढूंढो नेक्स्ट सीन हमें स्टूडियो के दिखाया जाता है जहाँ पे इनका चीफ एडिटर काबू को बुलाता है और उससे इलिनमा कोई और हरूटा योई के मतलब बीच का जो लव है उस उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए बोलता है कहता है कि जाओ और जासूसी करके मुझे बताओ नेक्स्ट में इंटरव्यू को दिखाया जाता है जहाँ पे काबू उन्हें और सुमित तीनों लोग हरोटा यूई और इनामी से का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे इनामी कोए और वो तो यू आ जाते हैं और ये लोग उन दोनों का वेलकम करते हैं और तभी यहाँ पे हरोटा जो होती है वो सीधा काबू के पास जाती है उसे कहते कि मतलब गुड मॉर्निंग बोलते हैं कहते कि काफी समय हो गया और मैं आपसे बहुत ज्यादा मिलना चाहती थी कबूरागी सैन और उसको ऐसे बहुत ज्यादा टच करने लगती है तो सारी चीजें देखिए उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और फिर यहाँ पे कबूरागी फोटो क्लिक करने लगती है, सुमी पूछता है, इनामी और हरोटा दोनों उसके सवालों का जवाब दे रहे होते हैं तो इनामी हमेशा है। तो 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 मुझे लेके कंसर्न रहता है और ये मेरे लिए मेरे फादर के जैसा है तो इनामी कहता है क्या फादर बड़ा भाई नहीं हरोटा तो कहते नहीं बड़ा भाई नहीं फादर तभी यहाँ पे काबू बीच में जाता है हरोटा के पास कहता है की प्लीज मुझे अपने बालों को सही करने की परमिशन दे दो अब कबूरागी को ऐसा करता हुआ देख के उन्हों से रहा नहीं जाता और उस एकदम बेचारा जल भुन जाता है अंदर से तब यहाँ पे हरोठा कहती है कि कबुरागी तुम मेरे बालों को फिस करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हो अब हरूटा की ऐसी बात है सुन के उन्होंने उन्हों और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता वो और भी ज्यादा जल भुन जाता है जल फील कर रहा होता है तब यहाँ पे दोनों लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं और ऐसे ही मस्ती मजाक में हरूटा जो होती है वो काबू के हाथों को टच करती है और कहते हैं कि तुम्हारे मसल्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है तो देख के उन्हें और ज़्यादा जल भुन जाता और कहता है कि क्या उसके हाथों को टच करना जरूरी था काबू कहता है कि क्या मैं तुम्हारी से भी ज्यादा फिट हूँ खैर जो कुछ भी हो मेरे पास अभी भी सिक्स पैक्स हैं तो यहाँ पे अरोटा कहते क्या सच में क्या मैं उन्हें टच कर सकती हूँ या मैं उन्हें देख सकती हूँ तो यहाँ पे काबू मना कर रहा है कि नहीं अभी मैं काम पे हूँ यहाँ पे निमा कहता है कि नहीं दिखा दो हरोटा को दिखा दो और ये सारी चीजें को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती तो यहाँ पे हरोटा कहते है कि अभी ब्रेक टाइम है मुझे बस दिखा दो प्लीज मुझे दिखा दो ला में तो मैं देखती हूँ मतलब तुम्हारे सिक्स पैक को देखती हूँ तो यहाँ पे कबूरा कहता है कि ठीक है लेकिन बस थोड़ा सा ही तो यहाँ पे जो हरोटा होती है उसको देख, देख दे हो कहती है कि क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ तो कब्रा कहता है कि हाँ इसे टच कर सकती हूँ तो हरोटा उसके सिक्स पैक को टच करती है और कहती है कि तो बहुत ज्यादा टाइट है और ये सारी चीजें उन्हें से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं उन्हें को देखिए ऐसा लगता है कि उसके मन में ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मैं हरोटा को पकड़ के उसके बालों को उखाड़ उखाड़ दूँगी या उसे पटक पटक के मारूँ यहाँ पर हरोटा का से कह रही होती कि मुझे एक बार और देखना प्लीज 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 लेकिन यहाँ पे जो नामी वो कंटिन्यू अपने मोबाइल में घुसा हुआ होता है और इस चीज को उन्होंने नोटिस करता है नेक्स्ट सीन में हमें कबरागी को स्मोक करते हुए और उन्होंने वनीला फ्लेवर की कोई जैपनीज स्वीट खाते हुए दिखा जाता है जहा पे उन्होंने काबू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो दोनों लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो यहाँ पे काबू कहता है क्या तुम ये सारी बातें इस आधार पे कह रहे हो क्योंकि वो दोनों लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखते जैसे कि दो एक दूसरे को लाइक करते हो तो यहाँ पे उन्होंने कहता है नहीं वो इसलिए क्योंकि हरटा जो है वो सिर्फ तुम्हें ही देखी जा रही थी यहाँ पे काबू कहता है क्या तुम क्या बोल रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब इस तरह का कुछ हो सकता है तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ वो तुम्हें इसलिए देख रही थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कूल हो तो so, यहाँ पे काबू कहता है क्या तो so, उन्होंने कहता है कि वो मेरा मतलब ये है कि सभी फोटोग्राफर जो होते हैं वो काम करते हैं बहुत ज्यादा कूल लगते हैं और ये एक फैक्ट है तो यहाँ पे काबू कहता है ओ ऐसा क्या मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में मुझे बहुत ज्यादा लाइक करते हो तो फिर उन्होंने कहता है खैर तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है तो यहाँ पे काबू कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है तो यहाँ पे उन्होंने कहता है खैर मस्या ने मुझसे कहा था कि अफेक्शन के दो तरीके होते हैं एक लाइक और लव और वही मस्यान की सारी कही हुई बातों को यहाँ पे

तु, लेकिन तुमने मुझे किस किया और फिर मैं वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काबू उन्होंने किस कर रहा होता है यहाँ पे उन्होंने मतलब जो काबू था उन्होंने कहता है कि हाँ मैंने किया था लेकिन उससे क्या काबू की ऐसी बातें सुन के उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहता है तो क्या तो तुम्हारा मतलब तो क्या खैर अब मैं समझ गया कि तुम किस तरह के इंसान हो और तभी यहाँ पे काबू उन्होंने को रोकता है और कहता है कि हमें अभी दूसरों पे भी नजर रख है और वहाँ पे हमें अकेले जाना होगा मैं हरोटा के पीछे जाऊँगा और तुम तो उस दूसरे इंसान के पीछे जाना ये बात सुन के उन्हों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो काबू से कहता है कि देखो तुमने फिर से उसी को चुना और यहाँ पे उन्होंने काबू को बहुत सारी गालियाँ देता है कहता है कि तुम फलटी ब्राट और पता नहीं क्या क्या बोलता है और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है उन्होंने जाने के बाद काबू जो था की बातों पर हंस रहा होता है और कहता है कि इसने मुझे सुमिटी एलियन कहा यह मुझे बच्चों की जैसे डांटता है ये सच में एक बच्चा ही है और बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और हंसते हंसते

ओनोई वहाँ पे आता है वो एकदम सामने से ओनोई को कैच कर लेता है और उससे कहते हैं मुझे पता था कि तुम मेरा जो है पीछा कर रहे हो और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ओनोए शातो सी हो तो यहाँ पे ओनोए कहता है क्या वहाँ मैं ओनोई ही हूँ तो यहाँ पे ये इंसान उन्हें से पूछता है कि क्या आर्टिकल में कोई इश्यू है तो पे उन्होंने कहता है नहीं आर्टिकल के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो कहता है कि ओ तो तुम बाई चांस मुझे और हरोटा को लेके कोई भी भ्रांति या ढूंढ रहे हो कि हम दोनों के लिए मतलब लेकर कोई भी भ्रांति मिले और तुम कुछ उल्टा पुलटा छाप सको तो ये बात सुन के उन्होंने बहुत ज्यादा शौक हो जाता है तो एक ऐसा फेस उन्होंने इनामी स्वयं बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है की ओ मैंने तुमको मतलब सही पकड़ा मैंने सही समझा तो यहाँ पे पहले तो उन्होंने मना कहता था उसके बाद कहता है आपने सही समझा तो इनामी को कहता है तुम तो काफी जेंटलमैन हो तुम इस चीज को स्वीकार भी कर रहे हो यहाँ पे उन्होंने कहता है की ठीक है आप मुझे डायरेक्ट पूछने का परमिशन दीजिए कि मैं आपसे डायरेक्ट पूछ सकूँ क्या आप और नोए दोनों लोग जो है वो रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे इनामी सेन मना करता है और कहता है कि नहीं हम लोग बस फ्रेंड है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग दोस्तों से भी ज्यादा कुछ हो सकते हैं तो पे है कहता है कि मुझे बस डाउट था वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आप दोनों लोग लो रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे इनामी सेन कहता है कि तुम एक बहुत ही ईमानदार लड़की हो वैसे मैं तुम्हें बता दू की उसके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है अपने आइडल को सुधारने के लिए मतलब अपने आपको आइडल बनाने के लिए प्लीज उसके लिए कुछ भी गलत मत लिखना पे उन्होंने कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा आप विश्वास नेक्स्ट हमें काबू को दिखाया जाता है जो कि उन्होंने कॉल पर बात कर रहा होता है और उन्होंने कहता है कि तो जब उसने तुमसे कहा और तुमने मान लिया कि हाँ बस ऐसा ही और तुम वहाँ से चले गए तो पे उन्होंने कहता है खैर उसने बहुत ही क्लियरली कहा कि वे दोनों लोग एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे काबू कहता है कि वो ऐसे खुले में सबको क्यों बताएगा कि वे दोनों लोग डेट कर रहे हैं तो पे उन्होंने कहता है कि की हाँ मैं जानता हूँ लेकिन वो ऐसा नहीं लग रहा था उसको देखे की वो झूठ बोल रहा है तो यहाँ पे काबू कहता है तो क्या तुम आर्टिकल में ये लिखने वाले हो कि इनामित सेन ने कहा कि वो और हल्टा एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं और इसलिए तुम अपने इन्वेस्टिगेशन यहीं पे रोक रहे हो तो यहाँ पे उन्होंने कहता है लेकिन मैंने कब कहा कि मैं मैंने बस इतना कहा कि मैं एक दिन के लिए ऑफ हो जाऊंगा और तुम्हारा क्या क्या तुम्हें कुछ मिला तो यहाँ पे काबू कहता है कि हाँ मैं बस कलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे काबू कहता है कि मैंने बहुत कुछ जाने की कोशिश की लिख है और इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका और मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल था तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ मैं भी इस चीज से बहुत ज्यादा केयरफुल तो फुल पे उन्होंने कहता है खैर मैं भी लोगों को पहचान से बातें मत करो कि मैं कोई ट्रिक में फंस जाऊंगा तो यहाँ पे काबू कहता है ओ क्या सच में फिर ठीक है तुम सबसे अपना बेस्ट करना और ऐसा बोल के वो फोन कट कर देता है अचानक फोन कटने से उनहोही को थोड़ा बुरा लगता है और कहता है कि ये सारी चीजें ऐसे क्यों बदल गई नेक्स्ट सीन में उनहियों को दिखाया जाता है जो कि टैब में इनामी सेन के बारे में सब कुछ पढ़ रहा होता था उसके बारे में लिखा होता है कि वो एक बेहतरीन अदाकारा है तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि अगर इंटरव्यू के दौरान वो ड्रामा कर रहा होगा तब तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए जानना कि सच क्या है और यहाँ पे वो उस सीन को भी याद करता है जहाँ पे हरूटा काबू के सिक्स पैक को टच कर रही होती है और उसके सिक्स पैक की बहुत ज्यादा तारीफें कर रही होती है और फिर कहता है कि अगर इनामी से इन सच में हरोटा को पसंद करता होगा तो वो हरोटा को जरूर रोकता वो इतना शांति से नहीं बैठा होता वो डिफरेंट एक्ट करता जब हरोटा सिर्फ और सिर्फ उस पंख काबू को घूर घूर के देख रही थी और तभी वहाँ पे काबू इंटर करता है और को काम करता है देख कर उससे कहता है क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो और फिर वो उन्होंई को एक पॉलिथिन नेता को कहता है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए तो यहाँ पे उन्हों मना करता है तो काबू उससे कहता है कि ऐसा बचपना मत करो और खा लो तो यहाँ पे उन्हों जो होता है वो अपने हाथों से उस पॉलीथिन को गिरा देता है उन्होंने की यह हरकत काबू को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने कहता है ठीक है अब मैं बाहर जा रहा हूँ स्मोक करने के लिए और ऐसा बोल के वहाँ से काबू चला जाता है तो इन सारी चीज़ों से उन्हें बहुत ज्यादा परेशान होता है अपना सर पकड़ लेता है और फिर वो पॉलिथीन से उस पैकेट को उठाता है और देखता है तो उसमें जो पैकेट होती है वो उसकी फेवरेट जैपनीज वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम होती है जिसको वो देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर उन्होंने उससे उनकी याद करता है जहाँ पे अपनी स्वीट खा रहा होता है और स्मोक करता है वो काबू उस चीज को देखता है और नोटिस करता है और फिर यहाँ पे कहता है तो उसका मतलब ये है कि मैं ही नहीं वो भी मुझे नोटिस करता है और फिर ये जानकर उन्हें दौड़ता हुआ काबू के पास आता है और मतलब आता है और रास्ते में बढ़ हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी फीलिंग बिल्कुल मेरे जैसी है ये बात सच है और फिर वो ऊपर टेरिस पे काबू के पास पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाता है कबू रागी तो काबू उसकी तरफ पलट के देखता है और उसे कहता है क्या बात है तुम चिल्ला क्यों रहे हो तो ये पे उन्होंने कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है क्या तुम भी क्या तुम भी और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है सो so फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए को सब्सक्राइब कर लीजिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मैं बहुत ही जल्द अपने दूसरे चैनल पे अपने थॉट्स को शेयर करने वाला हूँ लाइव आकर सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में